मांझी जी का सवाल है, काम करे कार्यकर राज्यसभा जाए एडीसी, ऐसा क्यों? देखिए कौन क्या सवाल पूछ रहा है, असल में इस विषय पे तो हमको बोलना नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो यही राष्ट्रीय जनता दल है। बार बार जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात होती है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तभी तो जीतन राम मांझी जी के बेटे को हम लोगों ने टिकट दिया, MLC बनाया। नीतीश कुमार से मुलाकात किए हैं सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी थी तभी तो जीतन राम मांझी जी के जो पुत्र हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कोटे से MLC बनाने का काम किया। और कितना टिकट NDA में मिल रहा था उनको, हम लोगों ने तो देखिए महागठबंधन में सभी गठबंधन दलों का जितने भी हैं सब लोगों का सम्मान करते आइए राष्ट्रीय जनता दल। एक विधानसभा का टिकट, 3 जो है लोकसभा का टिकट हम लोगों ने देने का काम, NDA कितना दे रही थी। ठीक है सब लोग जो है अपनी अपनी बात को रखते हैं तो इसमें हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन 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 अगर ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो उनको याद भी करना चाहिए कि यही राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके पुत्र को भी अपने कोटे से MLC बना लगा। मार्च का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार कि मार्च के बाद हम अपना बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, समान था है रहेगा क्या कमेटी को लेकर मार्च तक नहीं, नहीं। अब आप लोगों का लगता है रुचि बिहार के बेरोजगारों में नहीं है, असली बात बेरोजगारी क्या, अगर कुछ कह रहा था ये तो घोषणा कर दी है पटना में, जब हम लोगों ने पटना में अभियान शुरू किया बेरोजगारी हटाओ यात्रा का, तो हमने तो खुले मन से ये घोषणा की कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है बिहार में डोमिसाइल नीति को हम लोग जो है लागू। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।